राहुल, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप पेटीएम सर्विस एजेंट बनना चाहते हो, रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज हो गया, डीटीएच हो गया, अगर आप उसके लिए करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए पेटीएम ले रहा है आपसे 200 रुपये चार्ज। अब 200 रुपये चार्ज वो किस लिए ले रहा है? क्योंकि दोस्तों वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो लेगा ही। और दोस्तों, आपको पेटीएम से रिचार्ज करने पे क्या बेनिफिट है? दोस्तों, इसमें बेनिफिट आपको 2-3% या 2.5% का प्रॉफिट रहता है सभी लोगों को, लेकिन हो सकता है कि आपको 1-2% दे। अभी दोस्तों, इसमें लॉस और फायदा क्या है? फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 2.5-1.5% का फायदा मिलेगा। समझ लीजिए कि आपने 1000 का टॉपअप किया, उसमें तो आपको 25 रुपये मिलेगा 2.5% के हिसाब से। अगर आपने 2000 किया तो आपको 50 रुपये मिलेगा। अगर समझ लीजिए आपने 5000 का बैलेंस मारा तो आपको 100 रुपये मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें लॉस क्या है? लॉस ये है कि दोस्तों, पहले की तरह अब डेली रिचार्ज नहीं होते। जैसे कि मैं कोई मेरे शॉप पे आया और रिचार्ज कराया, पहले कैसा होता था कि डेली आदमी रिचार्ज कराता, जब अनलिमिटेड नहीं था। लेकिन अभी अनलिमिटेड के ज़माने में क्या हो गया कि आदमी एक बार रिचार्ज कराता है और उसके बाद कभी नहीं आता है, और वो महीने बाद आता है या 3 महीने बाद आ सकता है। तो दोस्तों, इस सर्विस के कारण आपका रिचार्ज का बिजनेस है बहुत ज़्यादा लो चलने लगेगा। और दोस्तों, बता दूं कि आजकल पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म निकल गए हैं कि उनसे आदमी खुद रिचार्ज कर लेता है, और आदमी के पास स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो वो अपने फैमिली मेम्बर का खुद ही कर ले रहा है। तो दोस्तों, इस तरह आपके जो कस्टमर है वो बहुत प्लेटफॉर्म से टूट जा रहे हैं, मतलब इनके वजह से आपके कस्टमर टूट जा रहे हैं, और वो आपकी जगह आने के बजाय वो डायरेक्टली वो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर रिचार्ज कर ले, तो इसका बहुत बड़ा लॉस हो जा रहा है। दोस्तों, बता दूं कि रिचार्ज का बिजनेस मैं भी कर चुका हूं और इसमें बहुत लॉस झेल चुका हूं, क्योंकि दोस्तों, जहां पे आपको डेली का 500-1000 रुपये मिलना चाहिए था, अभी मिल रहा है आपको 50 रुपये, मतलब आप डेली बैठ के सिर्फ 50 रुपये कमा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा आपको लॉस है। और फायदा ये है कि दोस्तों, अगर आपका ऑलरेडी पहले कहीं शॉप है, समझ लीजिए कि किसी किराने का बिजनेस है या मोबाइल का बिजनेस है या रिचार्ज किया एक्स्ट्रा कोई भी दुकान, अगर उसमें आप रिचार्ज की दुकान खोलते हो तो इससे कस्टमर भी आपके बढ़ेंगे, और हो सकता है कि कस्टमर आपके ज़्यादा आए। लेकिन अगर आप सिर्फ रिचार्ज की दुकान खोल के अगर कमाना चाहते हो तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी लॉस है। और इससे फ़ायदा ये है कि आप कहीं पर जाके काम करें, 20-30 हज़ार रुपये कमाए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका छोटा मोटा दुकान है तो आप उसमें ये रिचार्ज की सुविधा रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपकी ये मर्ज़ी है कि आपको करना है या नहीं करना है तो आप डिसाइड कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी, अगर इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।